अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, जा रहे हैं, खुश रहे हैं, बात रहे हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराते रखे। दोपहर का टाइम है, छुट्टी का टाइम हो गया अभी तो। आज का जो व्लॉग है वो होगा इसके बारे में, इसकी जो सैलरी कितनी है, इसको बोलते हैं यहाँ पर बुब कार्ड, छोटा शेवल भी बोलते हैं। ये कैट कंपनी का है, इस कंपनी में जिसमें ये लगा हुआ है ये किसी कंपनी का अपना है। तो इसमें जो सैलरी है, इसमें जो लेबर काम करती है, इसको जो चलाता है, इसको चलाना कितने दिनों में आप सीख सकते हैं और कितने दिनों में आप इसको बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं, और सही ऑपरेटर जो है इसकी सैलरी कितनी है। अगर आप आज़ाद आते हैं, आज़ाद वीज़े पे आते हैं तो इसकी सैलरी कितनी है, अगर आप कंपनी में आते हैं तो इसकी सैलरी कितनी है, तो इसके बारे में इंशाल्लाह पूरी मालूमात देता हूँ। तो इसका जो ऑपरेटर है वो अभी चला गया है, उसकी छुट्टी हो गई है, वो दूसरी बस में चला गया, लेकिन इसकी सारी मालूमात इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसके कुछ पार्ट के बारे में पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या काम करती हैं, इसका इंजन किधर है, इसका पानी रेडिएटर वगैरह किधर है। नया आदमी जो सीखता है उसको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके जो पार्ट्स है वो आपको दिखाता हूँ, बाकी इसका जो गियर वगैरह है, इसका जो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है ये छोटी मोटी जगहों में काम करते हैं, जैसे बिल्डिंगों का डैम्प वगैरह डालना, कमरों में मिट्टी डालनी या रोडों से सफाई करनी। तो सबसे पहले मैं इसके बाकेट के बारे में बताऊं, ये छोटी सी बाकेट है, आप देख सकते हैं आगे। अच्छा है, ये बाकेट जो है ना ये खुल भी जाती है, इसके आगे और भी चीज़ें लगती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके लॉक है, सही है, ये एक साइड का, ये दूसरी साइड का लॉक है, ये दोनों खोल के ये बाकेट जो है ये पूरी बाहर आ जाती है। इसके आगे लगता है एक छाता, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये हाइड्रोलिक वाले इसका जो सिस्टम है उसी के साथ सफाई रोड से करनी हो तो फिर वो एक सफाई वाला भी आगे लगता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो मैं अभी बात करूंगा इसके जो केबन है, केबन इसका काफ़ी छोटा है, बहुत ही छोटा सा केबन है। तो ये इसके जो लीवर आप देख रही हैं, ये दोनों जो है स्टेयरिंग भी है, गियर भी है, ये दोनों को आगे करेंगे तो ये आगे जाएगी, पीछे करेंगे तो पीछे जाएगी, दोनों को इकट्ठा करना है। स्टेयरिंग भी इसी से काम करता है, एक खींचेंगे तो एक साइड, दूसरी खींचेंगे दूसरी साइड। तो ये इसका क्लच है, ये दूसरी साइड में ये ब्रेक है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके अगर बात करें गियर आगे पीछे करने के लिए जो बटन है वो इन लीवरों में ही लगे हुए हैं। इसके केबन पे इसकी कुर्सी में बैठना भी ना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि छोटी सी है तो इसमें बहुत मुश्किल है। तो इसका मैं बात करूं एक्सीलेटर की, ये इसका जो है एक्सीलेटर है, रेस है, इसको खींचते हैं तो एक्सीलेटर इसका ज़्यादा कम होता है। तो ये इसकी चाबी है, सही है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर चाबी लगती है। और उसके अलावा अभी पीछे आ जाए मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक बार ऑपरेट करने की कोशिश की थी, मुझसे नहीं हुई, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जब आदमी सीख जाता है फिर पता चल जाता है। यहाँ पर है जी इसका रेडिएटर, ये पंखा है, पंखे के साथ आगे इसका रेडिएटर है, इसका रेडिएटर आगे होता है, इंजन इसका पीछे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको पीछे। ये देख रहे हैं आप, ये इसका जो ये टापा है ना, अभी ऑपरेटर तो गया हुआ है, चला गया, तो इसका ये टापा आप खोलेंगे, यहीं से डीजल डलता है, यहीं से ऑयल चेंज वगैरह आप चेक करना है तो यहीं से करना है, तो इसको खोल के आप चेक कर सकते हैं। तो अभी बात करूँ ये पिस्टन इसके जो इसको बॉकेट वगैरह को उठाते हैं, जैसे कि बताया, ये टायर हो गए, इसके टायर ट्यूबलेस हैं, चारों टायर का ज़्यादातर ट्यूबलेस ही होते हैं, जैसे पुराने थे फिर ट्यूब वगैरह डाल लेते हैं। ये है गियर, यहाँ होता है इसका जॉइंट, आगे पीछे वाले टायर दोनों का जॉइंट होता है ताकि इकट्ठे जोर लगाएं। तो अभी बात करेंगे इसकी तनख्वाह की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कल मैं इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि गाड़ी आ गई थी, बस आ गई थी, इसलिए हमें फिर जाना पड़ा। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सोचा था अभी बनाऊँगा लेकिन अभी फिर बारिश हो रही। लेकिन मैं तनख्वाह के बारे में आपको बता दूँ, इसकी जो सैलरी है ना कंपनी में, तो इसकी सैलरी कंपनी में तकरीबन 1200 से लेकर 1400 रियाल तक होती है। अगर आप आज़ाद वीज़े पे आते हैं तो 2500 से 3000 रियाल आप वीज़े पे कमा सकते हैं। तो अगर ये अपनी लेते हैं, अपनी ये तकरीबन 50 से 60 हज़ार, अभी महंगी हुई है क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसलिए महंगी हुई है। तो इसकी जो योमियाँ वो तकरीबन 400 से 450 रियाल तक होती। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अभी बारिश हो रही है, काफ़ी सारे मोबाइल जेब में रखूँ। उम्मीद करूँगा आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। मौसम काफ़ी प्यारा है आज। अभी हम पहुँच चुके हैं साइड पे, ये देखें ये मशीनें खड़ी हैं, तो जनाब फोरमैन भी आया खड़ा, तो इसीलिए अभी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।